हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक फिक्सचर के बारे में जिसको काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। मिलिंग मशीन में आपका यूज़ करते हैं, शेपर है, प्लानर है, प्लेनोमिलर है, इसको बोलते हैं स्ट्रैप क्लैंप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रैप क्लैंप ये बना हुआ है और इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टड है, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरा और इसमें इस तरफ स्प्रिंग लगी रहती है और ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली जो टेबल का टी स्लॉट होता है उसमें ये फंसा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका वर्कपीस को क्लैंप किया जाता है। तो वर्कपीस इस हेड की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, प्रेस होता है, नीचे की तरफ जाता है और ये टेबल पर लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से रहता है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका नट है और यहाँ पे ये वॉशर लगा हुआ है। वॉशर इसीलिए लगाते हैं जिससे यूनिफॉर्मली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। और ये वाला जो हेड है ये टेबल का जो टी स्लॉट होता है उसके अंदर फंस जाता है और ये आपका टेबल के ऊपर रहता है। इसको बोलते हैं हम हील पिन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली किस तरह का दिखता है मैं आपको एक और डायग्राम से समझाता हूँ। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है यहाँ पे अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, स्प्रिंग रहता है, जिसकी वजह से आप इसको ये खोलेंगे, ओपन करेंगे तो वर्कपीस को जैसे क्लैंप करना है तो आपने वर्कपीस को यहाँ पे फंसा दिया नीचे और इस ये जो स्टड है आपका जो नट रहता है इसको आपने टाइट किया, टाइट करेंगे तो वर्कपीस होल्ड हो जाएगा। लेकिन जब वर्कपीस को खोलना होता है तो आपको ये नट खोलना पड़ेगा, खोलेंगे तो यहाँ स्प्रिंग की वजह से नट, ये पूरा जो हेड है ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और ये प्रैक्टिकली किस तरह से क्लैंप होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह से रहता है ना। ये आप देख सकते हैं ये आपका जो टेबल है ना, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये मिलिंग मशीन का टेबल है और टेबल चाहे मिलिंग मशीन हो, सेपर हो, प्लानर हो, प्लेनोमिलर हो, सबके टेबल इसी तरह के आते हैं। इस पर टेबल पे क्या रहता है, टी स्लॉट रहता है, ड्रिलिंग मशीन हो और टी स्लॉट में क्या है, आपको जो बाइस होता है, फिक्सचर होता है, वो फिक्सचर उस पर लग जाता है, इसलिए टी स्लॉट बना दें। और फिक्सचर को क्लैंप करने के लिए उसमें क्या है, नट बोल्ट का अरेंजमेंट से, तो इसमें नीचे इस तरह से नट लग जाता है टी स्लॉट में और ऊपर आप बोल्ट लगा देते हैं। तो अब जैसे स्ट्रैप क्लैंप की बात करें तो स्ट्रैप क्लैंप आप देख सकते हो ये आपका वर्कपीस है, इस वर्कपीस को यहाँ पर ये इससे क्लैंप कर दिया है, ठीक है। और ये आपका नट और वॉशर रहता है यहाँ पे, तो टाइट कर दिया और ये आपका हील पिन बोलते हैं इसको, इस तरह। तो आपने देखा किस तरह से आपका स्ट्रैप क्लैंप को यूज़ किया जाता है मशीन पर वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू